बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू एम्प्टी शेड। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। आज का दिन बहुत ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं मलेशिया ट्रैवल सीरीज, हम मौजूद हैं कुआलालंपुर में और आज है ईद उल अज़हा का दिन, बहुत ही खूबसूरत दिन। सबसे पहले आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वैसे जब आप ये व्लॉग देख रहे होंगे तो तब ईद को गुजरे हुए बहुत दिन हो चुके होंगे। खैर, हम लोग बहुत जल्दी जो हैं वो उठे हैं, रात को तकरीबन हमको 3 घंटे सोए हैं और जल्दी से रेडी हो गए हम लोग, अभी रोड पे आ गए हैं, टैक्सी का वेट कर रहे हैं। नॉर्मल डेज़ में कभी भी इतनी देर नहीं लगती आपको कैब मिलने में, आप फ़ौरन एक क्लू कैब आपने बुक की होती है, आपको एक के बजाय 10 गाड़ियाँ एक टाइम में मिल जाती हैं। लेकिन आज है छुट्टी का दिन, ईद का दिन है, तो आज हमें बहुत टाइम लगा गाड़ी मिलने में। यकीन जाने हम तो परेशान ही हो गए थे कि पता नहीं नमाज के लिए भी पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि हम लोग पहुँच आए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम लोग शुक्र है नमाज के लिए पहुंच आए हैं। बहुत लेट हमें गाड़ी मिली लेकिन फाइनली मिल गई। आज हम आए हैं मलेशिया की नेशनल मॉस्क, मस्जिद निगारा भी इसे कहते हैं, कि अपने ये जो सामने आप देख रहे होंगे मीनार, इसकी वजह से बहुत फेमस है। बहुत खूबसूरत मस्जिद है और बहुत बड़ी है। मस्जिद निगारा को मलेशिया की नेशनल मॉस्क का दर्जा हासिल है। 13 एकड़ पे फैली ये खूबसूरत मस्जिद 15,000 नमाजियों की जगह अपने दिल में समाई हुई है। मस्जिद निगारा का 73 मीटर ऊंचा ये मीनार बहुत दूर से नज़र आ जाता है और बहुत खूबसूरत नज़र आता है। मस्जिद का अंदरूनी हिस्सा भी किसी तारीफ का मोहताज नहीं है, बे इंतहा खूबसूरत अंदाज में इसको बनाया गया है, जो जगमगाती रोशनियों से इसका छत इतना खूबसूरत नज़र आता है। और मस्जिद का ये जो गुंबद बनाया गया है सेंटर में, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। मस्जिद के पिलर बहुत खूबसूरत काम किया गया है, इवन कि जो इसका पूरा छत है इसके ऊपर कारीगरों ने खूब कारीगरी दिखाई है, जो किसी तारीफ और तारुफ की मोहताज नहीं है, बे इंतहा खूबसूरत काम किया गया है। ईद का खूबसूरत दिन है, लोग अपने रिवायती लिबास पहने मस्जिद में नमाज के लिए आ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी वक्त पे पहुंच चुके हैं। और फिज़ा में तकबीरात की आवाज़ें गूंज रही हैं, एक बहुत ही खूबसूरत माहौल बना हुआ है। काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं, इनको चढ़ के ऊपर जाना होता है। ये देखिए पानी, बहुत बड़ी मस्जिद है ये माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बाबा को बुलाओ ज़रा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए, अल्लाह
अभी ईद की नमाज़ शुरू होने वाली है। सभी आप देख रहे हैं कि खड़े हो रहे हैं, नमाज के लिए सफ़ें बांधी जा रही हैं माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह ईद की नमाज़ अदा की, खुतबा सुना और अभी सब लोगों से ईद मिले हैं। बहुत सारे लोग, बहुत नेशनैलिटीज़ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे जितने लोग हैं सबकी पहचान एक ही है कि वो अल्लाह के सिपाही हैं, ये मुसलमान हैं, और यही पहचान सबसे अव्वल है और यही बेहतरीन है। यहाँ मैंने सोचा कि आपको मस्जिद अंदर से भी दिखाती हूँ। ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल गोल गुंबद इसका बना हुआ है और स्टार नुमा बना हुआ है, और ये जो स्टार इसके अंदर शेप्स बनी हुई हैं ये 16 हैं। ये भी एक इसका एक खासा है कि प्रॉपर ये गिन के बनाई गई हैं। इसका मुझे नहीं पता कि क्यों बनाई गई हैं, लेकिन ये हैं 16 हैं। अभी मैं और आरिफ फातिमा बाहर चलते हैं और माशाल्लाह रश देखें, बहुत ज़्यादा नेशनैलिटीज़ के लोग। अच्छा, मेरे पास जो है वो कुछ ख़वातीन बैठी हुई थी जिनसे मेरी बातचीत हुई, कुछ सऊदीया से आई, कुछ ओमान से हैं, कुछ कतर से हैं, कुछ दुबई से हैं, मतलब मुख्तलिफ लोगों से मेरी मुलाकात हुई। एक दो लेडीज़ जो थी वो यूके से आई हुई थी फैमिलीज़ आउटिंग के लिए। तो ये मेरी पहली ईद थी जिसमें मैं बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ मिली हूँ। ईद मुबारक। मुझे हमेशा रश देख के थोड़ी सफोकेशन फील होती है, अच्छा फील नहीं करती हूँ मैं, लेकिन आज फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इस रश में मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी और देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग हैं, मुख्तलिफ तरह के लिबास अपने अपने रिवायती लिबासों में आए, ख़ास पर मलेशियन ट्रेडिशन यहाँ पर देखने को मिला। बहुत अच्छे खूबसूरत ड्रेसेस पहन के उनके बच्चे, ख़वातीन, इवन के जेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लग रहे थे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे अरबी लोग आपने देखा कि वो भी बहुत ज़्यादा हैं। ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि वो भी अपने ट्रेडिशनल लिबास पहन के आए हैं, और यहाँ पे एक कैप पहनी जाती है जो कि यहाँ की यूँ कह लें कि नेशनल ड्रेस के तौर पर पहनी जाती है, इस उसका एक हिस्सा है। तो वो भी बहुत प्यारी लग रही थी, जैसे हमारी जिना कैप है जिना साहब की, तो उस तरह की कैप पहनी जाती है जो कि बहुत खूबसूरत लगती है।
ये मलेशिया की नेशनल मॉस्क है, एक रिवायत का हिस्सा है, एक कदीम तहजीब है यहाँ पे। तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो जो नॉन मुस्लिम्स आते हैं उन लोगों के लिए ये है कि वो एक अच्छे लिबास में, मुनासिब लिबास में आएँ, कि जिसमें स्लीवलेस ना हो, शॉर्ट्स ना पहनी भी हो। अगर वो लोग आते हैं तो यहाँ से आके स्टाफ के पास से उनको अबाया और स्कार्फ मिल जाता है मस्जिद के अंदर जाने के लिए। मस्जिद के सहन में इस तरह के चबूतरे बनाए गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, इतना अच्छा लग रहा है। और इसका जो छत बनाई गई है, ये देखिए, इसकी छत के अंदर जो है वो सारा ग्लास लगा हुआ है कि वो रोशनी जब आती है उसके अंदर से, तो वो बहुत खूबसूरत लगती है। प्लांट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं, फूल हैं और फाउंटेन लगे हुए हैं बहुत सारी जगहों में। चलिए, तो जाने से पहले वीडियो को एक दफ़ा लाइक कर दें, अच्छा सा कमेंट करके बताएं कि आज का व्लॉग आपको कैसा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ज़रूर से शेयर करें, मुझे सपोर्ट करें, मुझे अच्छा लगता है। और नेक्स्ट व्लॉग के लिए, तब तक के लिए अपने दिल और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।